नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स की दृष्टि से और ऑलमोस्ट IAS, RAS, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर सभी में आने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे BA और MA के लिए एकेडमिक क्लासेज होती हैं उनमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय होती क्या है, राष्ट्रीय आय के घटक कितने हैं, राष्ट्रीय आय को हम किस प्रकार से माप सकते हैं, इसकी मापने की विधियां क्या क्या हैं, ये सब हम इस टॉपिक के तहत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक विशेष समय अवधि में प्राप्त होने वाली जो उत्पादक सेवाएं उनके द्वारा प्राप्त होने वाली आय, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसमें हमारे सामने दो तीन टर्म्स आ जाती हैं कि एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा, सामान्य निवासियों के द्वारा एक विशेष समय अवधि में, विशेष समय अवधि में प्राप्त होने वाली उत्पादक सेवाओं से प्राप्त होने वाली उत्पादक सेवाओं या उत्पादन के साधनों से प्राप्त होने वाली अर्जित आय को हम क्या कह देते हैं, अर्जित आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। देखिए इन तीनों का हम अर्थ समझते हैं, सामान्य निवासी कौन से होंगे, विशेष समय अवधि क्या होगी, उत्पादक सेवाएं कौन सी होंगी और उनसे अर्जित होने वाली आय क्या होगी। सामान्य निवासियों से तात्पर्य है कि एक देश में रहने वाला वैसा नागरिक जिसका आर्थिक हित उसी देश में शामिल होता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य निवासी कहेंगे। इसमें NRI भी शामिल हो सकता है, इसमें एक देश की राजनीतिक सीमाओं के भीतर रहने वाला व्यक्ति भी शामिल हो सकता है, तो इसको हम सामान्य निवासी कहते हैं। विशेष समय अवधि से तात्पर्य, ऑलमोस्ट विशेष समय अवधि से तात्पर्य यहां पर एक वर्ष की समय अवधि से है, और एक वर्ष की समय अवधि वो कौन सी समय अवधि होगी, ऑलमोस्ट एक वर्ष जो ये होता है वो हमारा वित्तीय वर्ष होता है, और वो होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक का टाइम साइन। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी हमने आय अर्जित की है वो हमारी क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब हमारे सामने आ जाता है कि उत्पादक सेवाओं के से प्राप्त, तो उत्पादक सेवाएं कौन सी, उत्पादन के साधन क्या है, किन कौन से साधनों के द्वारा हम उत्पादन कर सकते हैं, तो इसमें हम उत्पादन के 4 साधनों की बात करते हैं, भूमि, दूसरा हो जाता है हमारी पूंजी, तीसरा है हमारा श्रम और चौथा है हमारा उद्यम। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, ये 4 हमारे उत्पादन के साधन हैं। इन साधनों के द्वारा जो आय हमने कमाई है वो हमारी क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब देखिए हम क्या कमाते हैं, भूमि से हमें क्या मिलेगा, पूंजी से हमें क्या आय मिलेगी, श्रम से क्या मिलेगा, उद्यम को क्या मिलेगा, ठीक है। तो भूमि, हमारे पास जो जमीन है, भूमि है, उससे हमें मिलता है किराया, तो किराया जो हमारा रेंट होता है वो प्राप्त होता है, भूमि से हमें किराया मिला। पूंजी, हमने पूंजी जो लगाई, पूंजी के ऊपर हमें मिलेगा इंटरेस्ट यानी ब्याज, इंटरेस्ट ब्याज होगा। श्रम, एक श्रमिक मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूरी हो चाहे वो कैसी भी मजदूरी हो, एक श्रमिक को उसके काम के बदले में मिलता है क्या, मजदूरी मिलती है। श्रमिक हमेशा अपने श्रम को बेचता है, खुद नहीं बिकता है, क्योंकि जो खुद बिक जाता है वो श्रमिक नहीं कहलाता। तो श्रमिक है जो श्रम करता है उसे प्राप्त होती है मजदूरी, इसे हम क्या कह देते हैं, वेजेस कह देते हैं, वेज। और अंत में जब एक उद्यमी होता है जो अपना सारा काम कर रहा है, उसको भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम से प्राप्त होने वाली मजदूरी, ब्याज और किराया, इसका भुगतान करने के बाद जो शेष रह गया उद्यमी को बचता है, फिर उसे कहते थे हम प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट, लाभ। तो
ये सब प्राप्त होते हैं और इसी को ही हम क्या कह देते हैं, हमारी राष्ट्रीय आय कह देते हैं, नेशनल इनकम कह देते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं शैपिरो, उन्होंने परिभाषा में दिया है कि मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ इत्यादि से प्राप्त होने वाली आय को हम राष्ट्रीय आय में शामिल कर सकते हैं। वहीं हमारे कुजनेस कहते हैं कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान या एक विशेष समय अवधि में एक देश के सामान्य निवासियों से जो भी आय हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कह देते हैं। इसके बाद में हमारे सामने राष्ट्रीय आय की संबंधित तीन महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हमें समझना होगा। अगर वो हमें समझ में आ गए, राष्ट्रीय आय हमें आसानी से समझ में आ जाएगी और इसके जो आगे के कंसेप्ट्स हैं, आगे के जो तथ्य मिलेंगे हमें, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी तरफ। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तीन आइडेंटिटीज में आपको बताऊंगा। उन तीन आइडेंटिटीज को आपने याद कर लिया तो वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो होगा, हमें सबसे पहला है कि हमें घरेलू से राष्ट्रीय बनाना, यह समझ में आना चाहिए। राष्ट्रीय कैसे बनाएंगे, तो इसको घरेलू को हम कह देते हैं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, एक आइडेंटिटी आपको यह समझनी पड़ेगी। दूसरा है आपको सकल से शुद्ध बनाना, सकल से शुद्ध बनाना मीन्स हम कह सकते हैं इसको ग्रॉस से नेट, नेट। तीसरा हमारा रहेगा कि साधन लागत से, साधन लागत से बाजार कीमत बनाना, और वाइसा वर्षा, ये वाइसा वर्षा भी है। मतलब डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक कैसे बनाएंगे, ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस कैसे बनाएंगे, और साधन लागत से फैक्टर कॉस्ट से, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही इजी है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, उसको आप कंसंट्रेट करके देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले चलता है हमारा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, राष्ट्रीय बनाना है। एक हमारे पास में ऐसे समझिए कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, इट मीन्स पूरा विश्व, और विश्व में हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये नक्शा बनाना नहीं आता है, एक मिनट, ये हमारा लगभग भारत है। अब इस भारत से बाहर जो देश हैं ये पूरा विश्व हो गया। अब इसमें यूरोप भी है, चाइना है, इंडिया के अलावा अमेरिका है, अफ्रीका है, ये सारे महाद्वीप देश जो भी हैं वो सारे हमारे सामने शामिल है। अब आप देखिएगा, डोमेस्टिक तो हमारे सामने कौन सा हो गया, घरेलू हो गया, ये जो इंडिया का हिस्सा है ये तो हमारा हो गया डोमेस्टिक। अब इससे बाहर जो भी है वो सारा का सारा विदेश है, अन्य देश है। तो अब हमें क्या करना है, इस डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक जो भी हमारे ये क्या हो जाएगा, शेष विश्व है, शेष विश्व। अब एक तो हो गया कि हमारे इस सीमा रेखा के जो रेड मैंने बनाया है, इस सीमा रेखा के भीतर कमाया हुआ धन, और एक हो गया कि हमारे जो एनआरआई लोग हैं वो कहां कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं। तो हमारे देश में कमाया हुआ धन और उसमें मिल जाए शेष विश्व से प्राप्त हमें जो धन है, नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFIA, ठीक है, विदेशों से कमाई हुई आय भी अगर मिल जाए तो हमारी क्या बन जाएगी, राष्ट्रीय बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में अगर प्लस कर देते हैं हम NFIA, NFIA को मैं यहां पर लिख देता हूं आपके, NFIA बोले तो नेट, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, शेष विश्व से प्राप्त विशुद्ध आय, जो विदेश में हमने कमाया है उससे जो प्राप्त आय हुई उसको अगर हमने जोड़ दिया तो हमारे ये इंडिया है, इसमें हमने कमाया और यहां पर हमने जो कमाया, इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो हमारे क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, नेशनल बन जाएगा। डोमेस्टिक प्लस NFIA ये बन गया हमारा नेशनल। और अगर हम कर दें नेशनल में से क्या, नेशनल
मैं से माइनस कर दें एन एफ आई ए को, सपोज करो ये पूरे विश्व की आय जोड़ ली और इसमें से हमने एन एफ आई ए माइनस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा डोमेस्टिक बन जाएगा। पहली आइडेंटिटी में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी कि जब हमें घरेलू से राष्ट्रीय बनाना है तो क्या करेंगे, एन एफ आई ए को प्लस कर देंगे, और अगर हमें नेशनल से क्या बनाना है, राष्ट्रीय बनाना, घरेलू बनाना है तो क्या बन जाएगा, एन एफ आई ए को घटा देंगे। इसको मैं साफ करके एक बार दोबारा से अच्छी तरह लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कि आपको सबसे पहला हम लेते हैं घरेलू, अगर आपको घरेलू बनाना है डोमेस्टिक तो क्या करना पड़ेगा, नेशनल माइनस एनएफआईए, और अगर आपको करना है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बनाना है नेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, आगे का पूरा समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक बोले तो घरेलू में से माइनस कर दो, सॉरी प्लस कर दो एनएफआईए को, और ये बन जाएगा आपका राष्ट्रीय। पहली आइडेंटिटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी है, सेकंड जो हम बात करते हैं वो है कि सकल से शुद्ध बनाना और शुद्ध से सकल बनाना। सकल से शुद्ध, सकल से शुद्ध बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम देखते हैं ग्रॉस, सकल ग्रॉस, तो हमें क्या करना होगा कि सकल बनाने के लिए शुद्ध जो हमारे पास में आइटम है शुद्ध, इसमें से प्लस कर दीजिए मूल्यह्रास बोले तो डेप्रिसिएशन को आप क्या कर देंगे, माइनस प्लस कर देंगे। मूल्यह्रास क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी, सकल में, सकल बनाने के लिए क्या करेंगे, शुद्ध प्लस मूल्यह्रास कर देंगे, और वहीं आपको शुद्ध बनाना है तो शुद्ध बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सकल माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में हम जो मशीनरी को काम में ले रहे हैं वो मशीनरी हमारी प्रचलन में आएगी, उसमें टूट फूट भी होगी, और अगर हमने काम में नहीं लिया तो भी उसके मूल्य में कमी हो जाती है। तो प्रचलन में अथवा अप्रचलन में आने पर जो हमारी क्या नाम है इसकी पूंजी है या हमारी मशीनरी है उसमें जो भी कमी आई उसको हम क्या कहेंगे, मूल्यह्रास कहते हैं। तो सकल से शुद्ध बनाने के लिए, अगर सकल से शुद्ध बनाना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे, और शुद्ध से सकल बनाना है तो मूल्यह्रास को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। दो आइडेंटिटी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरी आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, उसको और आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इनको। तीसरा है हमारे पास में बाजार कीमत और साधन लागत, तो थर्ड साधन लागत से बाजार कीमत। अब साधन लागत से हमें क्या बनाना है, बाजार कीमत बनाना है, तो हम क्या करेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को साधन लागत में जोड़ देंगे। समझ में आया कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, एनआईटी बोले तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, हम एनआईटी बोलते हैं इसको, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये होता है हमारा अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। देखिए अब हमारे सामने कर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनको गवर्नमेंट जिस पर लगाती है उसी के द्वारा उनका भुगतान किया जाता है, और अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो लगाए तो किसी एक के ऊपर जाते हैं और उनका भुगतान किसी और के द्वारा किया जाता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, इनकम टैक्स तो हमारा है इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर में आएगा क्योंकि जिसके इनकम पर लगाया जा रहा है वही उसका भुगतान कर रहा है। लेकिन वही हम बात करें प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स,
उत्पाद करके, उत्पाद कर क्या होता है, लगाया तो उत्पादन पर जाता है लेकिन वसूला किससे जाता है, उपभोक्ताओं से जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता क्या होती है, आर्थिक सहायता किसी भी उत्पाद वस्तु का सेवा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो उत्पादकों को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है वो आर्थिक सहायता कहलाती है। तो जब हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना है तो अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटा दीजिए, आपके मिल जाएंगी क्या, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को अगर साधन लागत में जोड़ दिया जाए तो बन जाएगी आपकी क्या, बाजार कीमत बन जाएगी। ये हो गया आपका पहला। और इसका विपरीत करेंगे, इसका विपरीत हो जाएगा जब हम बाजार कीमत की बात करते हैं, बाजार कीमत से साधन लागत की बात करते हैं, साधन लागत, तो इस स्थिति में क्या होगा, साधन लागत में से बाजार कीमत में से, बाजार कीमत में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी तीन आइडेंटिटी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, आगे के पूरे नेशनल इनकम को सॉल्व कर लेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम इन तीन आइडेंटिटीज के आधार पर जितने भी नेशनल इनकम के जो कंपोनेंट्स हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। आज इतना ही, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, समझ में आया है तो अगला वीडियो पाने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।